किसान संगठनों के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहों द्वारा किसान आंदोलन के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज कूल्हा ब्लॉक से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में भाग लेने के लिए किसान सैकड़ों की संख्या में चीका की अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए दिल्ली बहादुरगढ़ मोर्चा की ओर से रवाना हुए। इसमें महमूदपुर, रत्ताखेड़ा घड़ाम, भाऊपुर, रत्ताखेड़ा लुकमान, भंसूला, डेरा पीडल, डेरा भाग सिंह आदि गांव के किसान शामिल हुए। आज जो किसाना का दिल्ली जत्थे जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्यों जा रहा है, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि जो हमारे जो काले कानून बनाए गए थे उन्होंने रद्द तो कर दिया, भी जबानी तो कह दिया हमने रद्द कर दिया। जितना चिर हमारे सत्संग में रद्द नहीं होते उतना चिर हमारा धरना जारी ही रहेगा। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे किसानों पर पर्चे दर्ज हुए हैं, जिन्ना चिर वो रद्द नहीं होते हो जाते उतना चिर हमारा आंदोलन जो है जो जारी रहेगा, तो इसको जारी रखेंगे हम। जो हमारे किसानों के बिजली बिल का है वो माफ़ नहीं हो जाता, उस पर कोई एमएसपी पर गारंटी नहीं देते, उतना चिर आंदोलन जारी रहेगा। इसीलिए हम एक काफला एडा लेके अपना दिल्ली नूं रवाना हो रहे हैं, जो कि कल 26 नवंबर नूं साडा एक साल पूरा हो जाएगा। असी इसके लिए अपने एक साल की गिरा वास्ते असी दिल्ली नूं कुछ कर रहे हैं। का क्या कार्यक्रम है जो ये आज हमारा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां जिला कैथड़ की ब्लॉक कमेटी गुल्ला से यहाँ से जत्था रवाना हम कर रहे हैं। अब ये दिल्ली की तरफ ये मोर्चा जा रहा है हमारा, ये जत्था हम लेके एक जत्था, दूसरा जत्था हमारा सीवन से रवाना होगा। ये दो जत्थे हम लेकर हम टीकरी बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जैसा कल 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे का जो दिल्ली पे जो मोर्चा लगाया हुआ उसको एक साल पूरा होने वाला है, तो उस अवसर पर और इन तीनों काले कानून को अंतिम रूप देने के लिए, रद्द करवाने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए, उसके लिए ये जत्थे रवाना किए जा रहे हैं। और बाकी जो पेंडिंग मुद्दे हैं जैसा कि एमएसपी पे गारंटी कानून और पीडीएफ जो अपनी खाद्य प्रणाली का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर कानून, और जो किसान 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, प्रधानमंत्री ने उनके लिए कोई शोक संदेश नहीं भेजा और उनके ऊपर कोई, उनकी शहीदी के ऊपर कोई दुख प्रकट नहीं किया इसके प्रति, और उनकी यादगार बनवाने के लिए ये अन्य मुद्दे हैं। या लखीमपुर के अंदर जो किसानों को शहीद किया गया उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर, वो अजय मिश्रा टैनी अभी भी अपने मंत्री पद पर कायम है, और हमारी ये मांग है कि उनको उनके मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और किसानों की जो संपूर्ण मांगे हैं वो पूर्ण की जाएं, इसके लिए हमारी ये जत्थे रवाना किए जाए। प्रधानमंत्री ने तीन काले कानून जो है जिनको आप काले कानून बोल रहे हैं उनको तो रद्द कर दिया है? नहीं, वो खाली एक बयानी उसके ऊपर बयान दिया है, अभी वो रद्द तब तक नहीं होंगे जब तक संसद के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई पूरी संपूर्ण नहीं होगी। संसद के दोनों सदनों में पारित होंगे, फिर राष्ट्रपति जी के साइन होंगे तभी जाके वो रद्द होंगे, ऐसे थोड़ी रद्द हो जाए।